अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भगवान रामलला के विराजमान होने को लेकर लोगों ने जगह जगह पूजा अर्चना हवन भंडारे का आयोजन किया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी ने भी राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में हवन पूजन किया। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने लोगों में प्रसाद का वितरण किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हवन पूजन करके राम राज्य की स्थापना की कामना की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन कुंड में आहुति दी। इसके बाद भगवान राम की आरती करके पूजा संपन्न की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर बहुत खुशी और उत्साह है। उन्होंने कहा कि राम राज्य में कोई भी दुखी और परेशान न हो, इसको लेकर हवन पूजन करके कामना की गई है। ये हम लोग रामचंद्र जी की खुशी और उल्लास आज विराजमान हुए हैं अयोध्या में, उसी की खुशी में आज हम लोग यहाँ पे हवन पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये हमारी संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसके उपलक्ष्य में मैंने हम लोग ने इन सबको माना है कि हाँ रामचंद्र जी की जन्मभूमि, इसको भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामचंद्र जी की जन्मभूमि वो नहीं थी, लेकिन इसको प्रमाणित होने में काफ़ी समय लग गया। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अंदर से दुख है कि काफ़ी समय हम लोग को संघर्ष करना पड़ गया। तीसरा, राम राज्य की बात हो रही है, राम के राज में कोई दुखी नहीं हुआ है, तो अब हम यही यहाँ से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस राम के राज्य में कोई भी प्रजा दुखी ना रहे, सबको समान अधिकार मिले। राम राज्य जैसे कि कहा गया है कि राम सबके हैं, तो हमारे भी हैं राम, राम सबके हैं, राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राम के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे, राम सबके हैं, जय श्री राम। देखिए आपको बताते हैं कि जिस तरह से राम राज की बात करते हैं और बिल्कुल मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस राम को जानते हैं जिसने जो है मतलब अपना सारा राजपाट छोड़ के और जंगल वो किया था, और आज वही राम के नाम पे जो आ रहे हैं वो सत्ता के लोभी हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि राम के राज में कोई दुखी नहीं रहा और लेकिन इनके राज में सब दुखी हैं, जिस तरह से अयोध्या के लोगों के घर तोड़े गए हैं, वो शायद ही इनको नहीं, वह उन औरतों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं, मंदिर से किसी को इतराज नहीं है, लेकिन किसी को राम ने किसी का घर नहीं तोड़ा था, तो हम उस राम को जानते हैं जो इसने वनवास काटा था, अपनी प्रजा के लिए वनवास गए थे, ये तो वो राम के लाने वाले हैं जो राम के नाम पे खुद सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता के लोभी हैं। देखिए राम जी का स्वागत है, बिल्कुल राम जी को हम लोग मानते हैं, और क्योंकि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो है वह सारे धर्मों को मानता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं, और बिल्कुल राम जी के लिए आज हवन किया गया है और इसके लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, और यहाँ पे हमने अपने मुल्क में सुख और अमन और शांति बनाए रखने के लिए एक दुआ भी मांगी है।